खरगोन जिले की सभी तहसील खरगोन, खरगोन नगर, कसावत, महेश्वर, बड़वाह, सनावत, गोगावा, भीकनगांव, झिरनिया, भगवानपुरा व सेगांव में भारतीय न्यूज चैनल के लिए तहसील स्तर पर संवाददाता नियुक्त करना है। सभी इच्छुक अनुभवी ही संपर्क करें 9925046607। देर रात में शहर के दो व्यक्तियों पर धारा 188 के तहत कोतवाली में प्रकरण दर्ज कराया गया। दर्ज FIR के अनुसार नगरपालिका के दरोगा विजय गुप्ता को खरगोन सहायक रिटर्निंग अधिकारी द्वारा नगरी निकाय निर्वाचन 2022 के लिए गठित शिकायत जांच दल में आदेशानुसार शामिल किया गया है। शिकायत मिलने पर अंजुमन नगर में नूर अस्सबा होटल में आसपास के लोगों को दावत देकर खाना खिलाया जा रहा था। शिकायत के बाद विजय गुप्ता और साथी कर्मचारी शेखर ने वरिष्ठ अधिकारियों को सूचित कर स्थल पर पहुंचे। अंजुमन नगर के नूर अस्सबा में करीब 300 से 500 लोगों को खाना खिलवाया जा रहा था। पूछताछ करने पर जानकारी में आया कि पूर्व पार्षद अलीम शेख द्वारा दावत का आयोजन किया गया है। मौके पर ही अलीम शेख से दावत की प्रशासनिक अनुमति के संबंध में जानकारी ली गई। उसी समय नूर अस्सबा के मालिक जमीर खान भी वहां पर आ गए। उनसे भी कार्यक्रम करवाने की अनुमति के बारे में जानकारी ली गई। अलीम शेख और जमीर खान दोनों ने अनुमति नहीं होना बताया। वर्तमान में खरगोन कलेक्टर के द्वारा एक आदेश में 11 मई से 10 जुलाई तक जिले की सीमा में राजनीतिक, धार्मिक एवं अन्य प्रकार की रैली, खड़े जुलूस, रात्रि जागरण, तकरीर, शोभा यात्रा, धरना प्रदर्शन समक्ष अधिकारी की अनुमति के बगैर करना आदेश के उल्लंघन पर धारा 188 में दंडित करने की शिकायत की गई। कलेक्टर और दंडाधिकारी के आदेश का उल्लंघन करने पर रात 10:30 बजे कोतवाली में FIR दर्ज कराई गई। भारतीय न्यूज के लिए खरगोन से रजाक खान की रिपोर्ट। सर, ये 13 जुलाई को खरगोन शहर में नगर पालिका के इलेक्शन होने हैं, इसकी आचार संहिता लगी हुई है और आचार संहिता उल्लंघन के संबंध में लगातार हम लोग कार्रवाइयाँ कर रही हैं। अभी परसों ये जानकारी मिली थी कि अंजुमन नगर में आचार संहिता का उल्लंघन करते हुए बिना कोई प्रॉपर अनुमति प्राप्त किए हुए लोगों को खाना खिलाया जा रहा है। उसमें संबंधित अधिकारी रेवेन्यू विभाग से और नगर पालिका से गए थे, पुलिस की टीम भी गई थी और ये पाया कि बिना किसी प्रॉपर परमिशन के उनके द्वारा इस प्रकार की गतिविधि की जा रही है, जो कि निश्चित रूप से जो 144 का ऑर्डर है उसका वायोलेशन है और आचार संहिता का उल्लंघन है। उस पर संज्ञान लेते हुए दो व्यक्तियों के खिलाफ में कोतवाली थाने में केस रजिस्टर किया गया है। इसमें पूर्व पार्षद भी हैं? जो दो आरोपी हैं उनमें से एक पूर्व पार्षद है, एक उनके सहयोगी हैं, दोनों को इसमें आरोपी बनाया गया है। अच्छा सर, ये क्या ऐसा कुछ जाँच भी होगी कि चुनाव नाव कहीं प्रभावित तो नहीं हो रहा है? आचार संहिता के दौरान किसी प्रकार की ऐसी गतिविधि जो मतदाताओं को प्रभावित कर सकती है वो आचार संहिता का उल्लंघन है, केस रजिस्टर्ड हुआ है, सभी एंगल पर इन्वेस्टिगेशन की जाएगी। बिना अनुमति के दावा देने वालों के ऊपर दो लोगों के खिलाफ FIR दर्ज हुई। ये शिकायत प्राप्त हुई थी, अभी नगरीय निकाय का चुनाव चल रहे हैं, शिकायत प्राप्त हुई थी कि बगैर अनुमति के कुछ लोग दावत दे रहे हैं। कल से जाँच करवाई तो अलीम शेख कोई पूर्व पार्षद है, उनके द्वारा दावत दी जाना प्रारंभिक तौर पर प्रकट हुआ। उनके खिलाफ एक जमील करके जमील खान, जिनका वो नूरे सदर घर के होटल है या मैरिज गार्डन, वहाँ कार्यक्रम चल रहा था, तो उन दोनों के खिलाफ CRPC 188 के तहत कार्रवाई की गई। सब्सक्राइब नाउ टू मोस्ट एक्साइटिंग चैनल एवर।